नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं वो आपके साथ रश्मि। बिहार वासियों को इस भीषण गर्मी से अब राहत मिलने वाली है। आपको बताएं कि मॉनसून की बारिश बिहार में शुरू हो रही है, जिसको लेकर आज से ही इसका असर दिखने लगा है। बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे आसमान में बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी भी हो रही है और अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर हम राजधानी पटना और इसके आसपास सटे इलाके की बात करें तो तेज धूप के कारण लोगों का बुरा हाल है, लेकिन राहत की खबर यह है कि अब मॉनसून की बारिश जो है वो बिहार में एंटर करने वाली है, जिसको लेकर कल बिहार के अलग अलग जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में और क्या कुछ ताजा अपडेट मौसम को लेकर जारी किया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि बिहार में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन को लेकर मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जताया है। प्रदेश में मॉनसून तय समय यानी कि 13 जून को पूर्णिया में दस्तक दे दिया है। इसका प्रभाव किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिलों में देखने को मिला है। पटना स्थित मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में मॉनसून का असर राज्य के अन्य हिस्सों में भी दिखने लगेगा। वहीं 15 से 17 जून के बीच प्रदेश में आंधी पानी, आकाशीय बिजली चमकने के साथ मॉनसून की बारिश का पूर्वानुमान है। जून में तेज धूप के कारण अब लोगों का बुरा हाल हो चुका है। ऐसे में पिछले 4 वर्षों से समय पर प्रदेश में मॉनसून का आगमन होता रहा है। पटना और गया में मॉनसून आने की मानक तिथि 16 जून, वहीं छपरा में 18 जून है। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून के प्रसार के लिए स्थिति अनुकूल है। पिछले साल भी बिहार में मॉनसून का प्रवेश पूर्णिया के ही रास्ते हुआ था। पिछले साल प्री मॉनसून बारिश औसत से बेहतर हुई थी, इस बार यह आंकड़ा कम है। खास करके दक्षिण और मध्य बिहार में मॉनसून से पहले जोरदार गर्मी पड़ी है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पूर्व पश्चिम ट्रफ रेखा उत्तरी हिमालय से पूर्वी असम तक, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर गुजरने से मॉनसून को मजबूती मिलेगी। इसके प्रभाव से सीमावर्ती क्षेत्रों के अधिकतर जिलों में प्री मॉनसून के दौरान बारिश की गतिविधियां पहले से बनी हुई थी। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान मॉनसून प्रवेश के कारण इन जिलों में अच्छी बारिश के आसार हैं। तो बता दें कि लोगों को इस उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। बात करें तो मॉनसून की एंट्री जो है वो बिहार में हो चुकी है। कुछ जिलों में कल बारिश हुई है तो कुछ जिलों में आज आंधी पानी जो है वो होने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो पटना वासियों को भी इस भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है, जिसको लेकर ये ताज़ा अपडेट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और कल यानी कि 15 जून को मॉनसून की एंट्री पूरी तरह से बिहार में हो जाएगी और अलग अलग जिले में बारिश जो है अब वो होगी, जिसके बाद लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।